ठीक है जी पिछले लेक्चर में हमने असम्बली uh, बनाने के लिए यूनिसाइकलर की कमांड रन की थी एंड इट टुक ऑलमोस्ट फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स ऑन माई पी सी विच इज़ थर्टी टू जी बी और रैम uh, है उसकी और हेक्सा कोर सिस्टम है इट टुक फॉर वन असेंबली ऑलमोस्ट वन आवर आई वुड से स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो तो अगर एक घंटा लगता है कि असेंबली को रन करने के लिए सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास ज्यादा असेंबलीज हैं तो उस उसपे ज्यादा टाइम लगेगा आई विल शो यू द रिजल्ट तो स्टार्ट में जब आपके रिजल्ट रन हो रहे होते हैं जब आपके पास प्रोसीजर रन हो रहा होता है तो आपके पास यहाँ पे कहीं ना कहीं फोल्डर बनते रहते हैं मिनी एजम का फोल्ड फोल्डर बन गया किसी और चीज़ का किसी और चीज़ का फिर वो चलता जाता है अब अक्सर अवकात लोगों की प्रॉब्लम जो थी ना वो ये आई थी आप में से काफ़ी लोगों की कि मिनी नहीं हमारे पास चल रहा है चीज़ नहीं चल रही फ्लां चीज़ की अर आ गई तो आपने ये वाली कमांड्स रन नहीं की थी जी बाकी जो इंस्टॉलेशन के सिर्फ डिफरेंट चीज़ें थी ना वो आपने मिस कर दी होंगी सो so, इस वजह से आपके वो प्रॉब्लम आई थी इस वजह से मैंने ये पूरे का पूरा स्क्रिप्ट आपको दे दिया जो आपको रन करना जरूरी है ठीक है टू हैव अ नाइस आइडिया ऑन यूनिक असेंबली ओके तो जब आप असेंबली रन करते हैं तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये यह फाइल्स आती हैं और ये केमर्स की बेस पे डिफरेंट ग्राफ की फाइल होती हैं जी एफ ए ग्राफ की फाइल होती है विच इज काइंड ऑफ हाइली स्पेशलाइज्ड ग्राफ फाइल, kind of फाइल और साथ में यहाँ पे फाइनल क्लीन यानी कि बाकी सारे ब्रिज अप्लाइड जो होते हैं जो भी जितने भी असम्बली की टाइप्स हैं अगर आप देखेंगे गाइड में जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले दे दी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल गाइड टू जिनॉम असम्बली अगर आप इसे रीड करेंगे और ख़ास तौर पर यूनिसाइकलर की ये जो डिफरेंट uh, सेटअप uh, है यूनिसाइकलर किस तरीके से असेंबली को बनाता है इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये जो आउटपुट फाइल्स हैं इसके अंदर ये लॉन्ग रीड असम्बली क्या है रिज गैप क्या है ओवरलैप्स क्या है

और अगर आप यूनिसाइक्लर का लॉग देखें दिस लॉग इज एक्चुअली शोइंग यू द प्रोसीजर जो आपने सारे अप्लाई किए स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के आपका परफॉर्मेंस कैसी चल रही थी ठीक है तो ये लॉग की फाइल जो होती है ये आपको बताती है कि किस स्टेप पे आप पहुंच गए हैं इफ यू नो कि ये किस तरीके से काम करता है फिर ये असेंबली ऐसे मैं ओपन करता हूँ एंड हेयर यू गो डेप्थ इसकी वन एक्स है यानी कि आपके पास टोटल लेंथ कितनी है फाइव पॉइंट टू एम ठीक है तो आपका जितने भी रीड्स थे सारे रिमूव करने के बाद एट द एंड आपका जिनोम की असेंबली जो हुई है वो टोटल 5.2 मिलियन बेस पेयर्स है अगर इसको देखा जाए तो ठीक है 5.2 पॉइंट टू एम जिसे हम बोलते हैं तो मिलियन बेस पेयर्स यहाँ आ गए या एम uh, बी आप इसको बोल देते ये असम्बली आपकी होगी अब अगला काम हमारा ये है कि इस असम्बली को हमने क्वालिटी चेक में लेके जाना क्वालिटी चेक कैसे की जाती दो software है दो सॉफ्टवेयर हैं इसके लिए फास्ट भी है और चेक एम जिनोम है कॉस्ट और चेक एम जीनोम्स के लिए कुछ और भी चीज़ें जरूरी हैं जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं ऑलरेडी आप इससे इसको इंस्टॉल करेंगे तो इट विल बी वर्किंग फाइन अब मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो चेक एम जीनोम चेक एम की फाइल है चेक एम इसके ऊपर गिठअप पे जाता हूँ और यहाँ से जाने के बाद चेक करते हैं हम कि किस तरीके से इसको हम रन कर सकते हैं तो ऑब्वियसली डायरेक्टली मैं इस पर जाऊँगा एंड देन वी कैन सी द्विक यूजेज प्रॉब्लीस वन टिपिकल वर्क फ्लो क्या है एग्जाम्पल यूज क्या है तो मेरे पास क्योंकि जो फाइल है वो फास्टा की है और मैंने अपना फोल्डर बताना है कि कहाँ पे फाइल पड़ी हुई है एंड देन आई हैव टू टेल के ये यहाँ पे हमारा आउटपुट फोल्डर हो बेसिकली आप क्या करते हैं चेक एम फिर बाद में लीनियज डब्ल्यू एफ ये वर्क फ्लो की बात है फिर जीन्स अगर आपने देखनी है तो आप थ्रेड्स बता के उसको ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फास्टा फाइल है तो हम इसके ऊपर इसको रन करेंगे ठीक है अज का आप अपना स्क्रिप्ट शेयर करेंगे जो आपने फास्टा के ऊपर चेकअम का आ, कमांड लगाई है तो और आपके पास कैसे रिजल्ट आए हैं और जिनकी गलती हो रही थी चेकअम की वो भी प्लीज़ अपना स्क्रिप्ट मेरे साथ शेयर कीजिएगा सो वी कैन हैव अ लुक टुगेदर किस तरीके से चेकम काम करती है ऑब्वियसली सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पे क्वालिटी चेक का अगला स्टेप है हमारा यहाँ पे नंबर फोर पे क्वालिटी चेक मैं बोलता हूँ क्वालिटी चेक के अंदर आपने पहले तो एक्टिवेट करना है वो वाला इन्वायरमेंट जिसके अंदर आपके पास चेकअम पड़ी हुई है या कॉस्ट पड़ी हुई है माम्बा के साथ उसे एक्टिवेट करते हैं तो ये माम्बा एक्टिवेट ये हमने रन करना है एंड देन ठीक है देन आपने चेक एम को रन करना है फॉर एग्जाम्पल आपने पहले लिखना होता है चेक एम फिर बाद में लीनियज डब्ल्यू एफ ये वर्क फ्लो की बात है अगर आप ये देखना चाहें कि ये क्या चीज है सो यू कैन एक्चुअली हैव एन आइडिया फ्रॉम द किट ऑफ रेपोजिट्री जहां पे इसको बड़ी डिटेल में डिफाइन किया गया तो मैं यहाँ पे इस सारे को पूरा पेस्ट करता हूँ ताकि हमारे पास कोई गलती के चांसेस ना हो टी माइनस एट माइनस एक्स हमारे पास फास्टा फाइल है तो हम पूरा फास्टा लिखेंगे एफ ए नहीं लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या देना यूनिसाइकलर की जो असम्बली है उसका पाथ देना है तो अगर हम मैं फोल्डर पे जाऊँ तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं इस जगह पे तो ये यूनिसाइकलर की असम्बलीज है और यहाँ पे ये वाली फाइल है हमारी असेंबली डॉट फास्टा तो हमें असेम्बली डॉट फास्टा देने की ज़रूरत नहीं है हम सिर्फ इस एक पाथ को यहाँ परफॉर्मेंस के लिए दे देते हैं समथिंग लाइक दिस तो आपके पास ये असम्बलीज के फोल्डर के अंदर जाके उस फाइल को ग्रैप कर लेगा ठीक है और आपने जिसके अंदर इस फोल्डर को सेव करना है वही यूनिसाइकलर की असेंबली के अंदर करना है या बाहर करना है आप चेक एम के नाम से रिजल्ट्स के फोल्डर के अंदर इसकी आउटपुट लेंगे सो दिस इज द आउटपुट फोल्डर इनपुट फोल्डर यानी कि बिन फोल्डर जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी असम्बलीज uh, पड़ी हुई है सेकेंड आपका आउटपुट फोल्डर है तो वो आउटपुट फोल्डर अगर आप यहां पे ऐसे दे देते हैं फाइन अदरवाइज यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ एज वेल लेटर ऑन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं मैं इसको कॉपी करता हूँ और यूजली इसको मैं टर्मिनल में ऑन करता हूँ क्योंकि अक्सर अकात ये स्क्रिप्ट के अंदर सही तरीके से रन नहीं करता बट वी विल सी अगर ये असम्बली के साथ रन करता है या नहीं मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इन दोनों को रन करता हूँ और अब आप चेक करें कि इन्होंने मुझे यहाँ पे एक गलती आई है वो क्या है जी हमारा मामबा एक्टिवेट नहीं हुआ क्यों क्योंकि यहाँ पे माइनस एन मैंने लिखा है गलती से

इट विल टेक लेस टाइम अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम लॉट ऑफ मतलब ये कि दो से 5 मिनट के करीब करीब ये ले लेगा ले और आपका रिजल्ट जो है कहाँ पे आने वाला है वो यहाँ पे चेकअप का एक फोल्डर बनेगा ये ऑटोमेटिकली बन गया ये आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा उस असम्बली का कि कितनी कंप्लीट है कितनी कंटेमिनेशन है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके अंदर एंड इज़ वेरी सिंपल आप देखें कि चेकअम रिजल्ट सिम्पली हमारे पास आ गए ठीक है तो ये आप कहाँ जहाँ पे भी उसका पाथ देंगे उसका फोल्डर वहीं पे बन जाएगा तो मैंने चेकअप रिजल्ट्स के अंदर इसे बनाया है Now we will see ये वो कह रहा है, genome, सा लगता है इसको. अगर को चेक करेंगे, तो फोर तो लूप बार बार एक ही काम को डिफरेंट चीजों पर रहता है माइनस टी जो मैंने यहाँ पे एट लिखा है माइनस टी स्क्रिप्ट के अंदर यू कैन राइट डाउन दैट वन इंटू माइनस ट्वेल्व अगर आप बहुत बड़ी मशीन यूज कर रहे हैं जैसे एक सुपर कंप्यूटर होता है तो माइनस चौंसठ तक भी आप यूज कर सकते हैं डू दैट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपके पास फाइल ज्यादा होती हैं माइनस टी का मतलब है कि एक टास्क को आठ हिस्सों में तकसीम करके हर एक हिस्से को सेपरेटली मूव करो फिर एट दी एंड उनको कंबाइन कर दो ठीक है तो ये हमारे पास इस तरीके से आपकी जो फाइल है वो रन कर जाती है आई नो के बहुत ज्यादा लोगों का यहाँ एरर आती है क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल ये होता है चेकअम के ऊपर कि आप इसको पहले स्टार्ट करने से पहले ये भूल जाते हैं कि बिन का फोल्डर क्या है आप परेशान रहते हैं कि बिन क्या है बिन असल में वो असेंबली है जहाँ पे असेंबली एग्जिस्ट कर रही है ठीक है वो बिन का फोल्डर वो है उसके बाद आपके पास दूसरा पॉइंट होता है चेक एम आउटपुट क्या है क्या हमने बनानी है या नहीं बनानी तो उसको सिंपली आप एक नाम देने वो ऑटोमेटिकली उसको बना दे अब होपफुली ये रन कर गया मेरे पास एंड यस yes. अब आप देखिएगा यहाँ पे ये मेरे पास चेकअम के अंदर रिजल्ट जरूर आए हैं लेकिन आप चेक करें कि यहाँ पे जीन्स जी एफ एफ और स्टोरेज ये इस तरीके से ट्री चल रहा है एंड देन यहाँ पे मेरे पास क्या कह रहे हैं फाइल नॉट फाउंड एरर आ रही है नो सच फाइल और डायरेक्टरी इसके अंदर स्टोरेज के अंदर ट्री का फोल्डर नहीं बना हुआ उनका ये कहना है ये ट्री का फोल्डर बना हुआ है एवरी थिंग इज देयर बट इट डिडन पिक अप जिससे क्या मसला बना है आपका आपकी एक कमांड रन नहीं की है इसके अंदर बाकी सारा कुछ रन कर गया बिन्स बन गया एवरी थिंग इज देयर लेकिन आपका एक कमांड रन नहीं की जिसको हम क्यू ए प्लॉट बोलते हैं वेट अ मिनट लेट मी सी अब यहाँ पे अगर आप क्यू ए क्यू ए की बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा मैं इस पर एंटर करता हूँ चेकम के ऊपर जाते हैं क्यू ए चेक एम क्यू हम यहाँ पे भी इसे चेक कर सकते हैं क्यू आई चेक एम माइनस एच तो यहाँ पे हमने एक और किस्म के प्लॉट बनाते हैं चेक एम क्यू ए असैस बिन्स फॉर कंटामिनेशन एंड कंप्लीटनेस यस क्यू ए हमने लगाना है And then we will see कौन सी चीज उसमें मिसिंग है we will see that. Check M, अगर इसको हम रन करते हैं तो अब ये पूछेगा हमसे दिन रिकॉर्ड मार्कर फाइल एनाल डायरेक्ट्री तो मैं दोबारा से उसे ऐड करता हूँ एंड देन वी हैव टू एड किस डायरेक्ट्री को आपने चेक करना है तो मैं चेक एम लॉग फाइल जो है हमारी मार्कर फाइल है इसको वहां पे चेक करते हैं सी चेक एम क्यू ए अब हम इसके साथ ऐड करते हैं मार्कर्स वो मार्कर्स हैं ये वाले इस फाइल का पाथ है जी हमारा चेक एम रिजल्ट्स के अंदर चेक एम रिजल्ट्स और आ, कौन सी फाइल थी चेक एम लॉग ये मार्कर फाइल होगी

आपको चेक एम एम की पिकल फाइल चाहिए स्टोरेज में ये वाली फाइल है वो तो इसको हम चेक एम रिजल्ट के अंदर स्टोरेज और इसके अंदर फोल्डर पड़े हुए हैं ट्री का और Tools shouldn't like that. No markers. एक्सक्लू मार्क स्टिल गिविंग में यार हमारे पास जो ऑटोमेटिकली स्टैट्स हैं उसके अंदर भी हमें डेटा मिल जाएगा बट इट्स नॉट रियली हेल्पफुल हेल्पफुलटीक फोल्ड वही सारी चीजें आ रही हैं अजका आपके पास यहाँ पे चेकम के अंदर इन तीन फ़ाइल्स के अलावा कोई और फाइल है या किसी और ने अगर रन किया उनके पास अगर फ़ाइल है क्यू ए प्लॉट की और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो आउटपुट होती है वो कैसी होती है चेकम के अंदर अगर हम अगर हम एग्ज़ाम्पल वर्क फ्लो को देखें ना ये वाला जो वर्क फ्लो के अंदर मिसिंग है पॉइंट चेकम थ्री क्यू ए आउटपुट फोल्डर लेट मी सी अगर चेक एड्री क्यू ए चल जाते तो देन दिस इज़ मेकिंग इशू हम इसकी एग्जाम्पल एक फाइल चला के देखते हैं अगर तो इसमें कोई प्रॉब्लम हुई ना कॉस्ट इसके अंदर चेक एम के अंदर दैन वई विल गो टू वर्ड्स द कास्ट पहले इसको देख लेते हैं एक दफ़ा यहाँ पे एग्जाम्पल रन की एक ऑप्शन होती है एग्जाम्पल यूज ये हमारे पास है और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ था ऑलरेडी चेकम बिन फोल्डर एंड आउटपुट फोल्डर This is fine. उसके अंदर देखते हैं क्योंकि तो ये एरर हमें भी आई है चेक हम लीनियर्स यहाँ पे हमने एफ दिया तो उसने एक्स की फाइल दी है कॉस्ट देख लेते हैं साथ में पहले फिर दूसरी तरफ मूव करते हैं कॉस्ट का ये मैनुअल है और रनिंग कॉस्ट कॉस्ट डॉट पाई माइनस एच तो हमारे पास ये इस तरीके से कास्ट यहाँ पे रन होती है पहले कास्ट को चला के देखते हैं फिर चेकअम की तरफ आते हैं इट डिडेंट हैपन विद मी ऑन द अदर साइड लेकिन यहाँ पे ये मसला कर रहा है विल सी दैट कि किस तरीके से इसको रिजॉल्व करना है तो कॉस्ट को रन करते हैं पहले ये है जी रनिंग कास्ट फॉर इम्पेश पीपल ऑबली हमारे पास टाइम कम है तो आप यहाँ पे अपनी फाइल्स देते हैं टेस्ट डेटा ठीक है जो भी आपकी इनपुट फाइल है फिर आर अगर आपके पास रेफरेंस है जी की फाइल अगर आपके पास रेफरेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है ठीक है तो अगर रेफरेंस नहीं है तो विदाउट एनी रेफरेंस भी आप इसे रन कर सकते हैं लेट्स सी। बल्कि इसका एक और तरीका है रनिंग क्वास्ट ऑन असेंबली फॉर नॉन रेफरेंस्ड जीनोम नॉन सिंपल ये वाली चीज़ उन्होंने दी है हम इसको अब रिफाइन करते हैं चेक को मैं यहीं पर रखता हूँ क्वास्ट डॉट पाई असम्बली फाइल हमारी है जनाब यूनिसाइकलर असम्बली के अंदर कॉपी इसको मैं करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एस ली डॉट कास्टा और जो आउटपुट डायरेक्टरी है हम वहीं पे एक बना लेते हैं चेक एम के अंदर बल्कि यहाँ पे क्वास्ट रिजल्ट्स के नाम से बना लेते हैं ठीक है ये आउटपुट डायरेक्टरी कर लेते हैं और इसमें कुछ ऑप्शन मैं पर्सनली ऐड करता होता हूँ वो मैं आपको भी बता देता हूँ उसकी रीज़न ये है कि ये ऑप्शंस हमारे काफ़ी काम आएंगे फ्यूचर के अंदर कंजर्व्ड जीन फाइंडिंग एक ये वाली ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंजर्व्ड जीन फाइंडिंग कहाँ गई फिर रिपोर्ट ऑल मैट्रिक्स इसको कॉपी करते हैं पहले यहां पे इसको पेस्ट करते हैं फिर कंजर्व जीन फाइंडिंग था हमारे पास ये वाला ये क्या करता है ये कंजर्व जीन्स जो होती हैं एक जीनोम असेंबली के अंदर उसे भी फाइंड आउट करता है ये मैं वन से अगेन ये मेरे सिस्टम के साथ मसला हो रहा है विल बी फाइन इन अ मिनट। बस ये क्वालिटी चेक के बाद हम चुनौम को सेट करने वाले हमारे पास यहाँ पे आप में से किसी ने अगर क्वास्ट रन किया हुआ है तो अपनी कमांड जो है वो मुझे प्लीज़ सेंड कीजिएगा ताकि हम उसको देख सकें मैं अपने कोड में उसको फिर एम्बेड कर सकता हूँ नहीं भेजना चाहते तो नो प्रॉब्लम बट आई I मीन mean, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए कंजर्व जीन फाइंडिंग आ गया और ये सारी चीजें क्वास्ट के मैनुअल में लिखी हुई हैं अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं चीजें कंजर्व्ड अच्छा ये यूकैरियोटिक जीनोम्स को भी देख लेते हैं तो अगर कोई प्लांट पे काम करने वाले हैं सो यू कैन आल्सो फाइंड दिस वन माइनस बी भी लिख सकते हैं इसके आर आर एन ए फाइंड करने हम वो भी लिख सकते हैं जीन थ्रेश देखना वो भी लिख सकते हैं लिमिट्स को यूज़ करना है जीन फाइंड के लिए हम वो भी लिख सकते हैं तो हमने क्योंकि जीन भी फाइंड करने हैं तो मैं इसको भी लिख देता हूँ एंड आई थिंक दिस इज इनफ मैं कुछ ज़्यादा इसमें साइंस नहीं लड़ाने वाला कॉपी एंड पेस्ट दिस हियर ंग तो आपके पास ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट विल गिव यू अनदर रिपोर्ट और ये रिपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनाता है कास्ट इज मच बेटर दैन दन कास्ट मेटा जिनोम असम्बलीज के लिए भी यूज हो जाता है और ये सिंपल uh, जो नॉर्मल असम्बलीज है उनके लिए भी यूज हो जाता है तो प्रो करियोटिक के लिए भी यू करियोटिक के लिए भी फंजाई वाले के लिए भी बड़े जिनोम के लिए भी कॉस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग मेटा कॉस्ट इसकी एक एग्जाम्पल है वो भी इसी से बना हुआ है फिर ये बुस्को को यूज करके आपको स्टैट देता है कि आपका कितना जिनोम जो है वो यूनिक रीड दे रहा है कितना जो है यूनिक रीड दे रहा है चेक एम भी काम करता है बट देर इज समथिंग रॉन्ग विद विधकम उसकी एक लाइन ऑफ कोड के अंदर मसला है एंड आई दिस इशू प्रोबेबिलिटी ये थी मैंने इसको कुछ डाउन क्रिएट किया था आई डोंट रिमेंबर यर या मैंने इसको फिर माम्बा के थ्रू इंस्टॉल किया था लेट मी सी हमने पिप के थ्रू किया ना इंस्टॉल नहीं माम्बा के थ्रू किया माम्बा इंस्टॉल जीनो चले कोई नहीं ये जी हमारे पास कास्ट चल पड़ा है यहाँ पे कॉस्ट के रिजल्ट हैं और ये इस तरीके से आपको रिपोर्ट देता है पीडीएफ के अंदर भी देता है और बाकी के अंदर भी मैं बेसिकली बुस्को स्टैट बेसिक स्टैट फिर ये जीनोम वेवर है उसके थ्रू आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स मिलती हैं आप इसको ओपन करें तो बड़ी अलग किस्म की रिपोर्ट देता है ये, ये आप देख लेंगे आपकी असम्बली है टोटल इसकी असम्बली के रीड्स कितने हैं क्वीकस कितने हैं फर्स्ट कॉन्टीक कितना था सेकंड कितना था टोटल कॉन्टीक्स कितने हैं एवरी थिंग इज देयर और अब अगर आप गौर करें यहाँ पे जुनोम फ्रैक्शन और सारा कुछ यहाँ पे दे रहा है एंड देन यू कैन ऑल्सो सी कि आपके पास जो जुनोम है वो किस तरीके से आया हुआ है ठीक है और यहाँ पर आप जाके इसको फर्दर चेक भी कर सकते हैं कि कंटीक हमारे टोटल कितने हैं और यहाँ पर कितने व्यू हो रहे हैं ये पहला ही कॉन्टीक है और इस एक कॉन्टीक के अंदर ही सारा कुछ लिखा हुआ है अगर आप गौर करें ये सेकेंड कंट्रीग आ जाता है थर्ड फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ तो देर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन अंडरस्टैंड जो काफी चीजें ऐसी जो हम नहीं पता चलती तो यहाँ पे कंटीग के नंबर हैं एक असम्बली के अंदर कितने क्वेंटीग हैं दो कंटीग हैं इसमें ठीक है एक बड़े वाला है जिसके अंदर राउंड अबाउट फाइव मिलियन ट्वेंटी थाउजेंड के करीब है टू हंड्रेड फाइव थाउजेंड सम के करीब है और एक जो सेकेंड कंट्रीग है वो बिल्कुल ही छत्तीस समथिंग में बहुत छोटा सा ठीक है यहाँ पे गौर करें तो सो दीज आर फ्यू थिंग्स प्रोडिक्टिड जीन्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल रही हैं तो आप जीन्स की प्रोडिक्शन के ऊपर भी काम कर सकते हैं और यहाँ से इसको जूम आउट करके भी चेक कर सकते हैं द वे मेन मेन्यू पे जाते हैं क्वास्ट रिपोर्ट पे जाते हैं सो दीज आर ऑल मैट्रिक्स जो यहाँ पे बताए गए हैं ठीक है कुछ आपके पास बिल्कुल ही नहीं आए सो so, सम वो इस वजह से होता है कि आपके पास कोई रेफरेंस जिनॉम अगर अवेलेबल नहीं है या आप रेफरेंस जिनॉम डाल दें तो ये और भी अच्छा हो जाता है फिर जीन प्रोडिक्शन और कम्प्लीटनेस पूरी तरीके से आपको नज़र आ जाती है सो so आपके पास यूजली क्या होता है यहाँ पर कम्प्लीटनेस आ जाती है बुस्को की और फिर आपको पता चल जाता है कि आपका ये वाला जिनम कितने परसेंट कम्प्लीट है वाजिद आपके पास यहाँ पे आउटपुट में क्या आया था कम्प्लीट बुस्को या पार्सल बुस्को आया था या नहीं आया था मेरा नहीं ख्याल आया होगी ये ऑप्शन चैट में मुझे बताइएगा खेर चेकम जो है हमें गलती कर कर करके दे रहा है क्यू ए प्लॉट उसका बड़ा ज़बरदस्त बनता है और चेकम के अंदर क्यू ए प्लॉट के साथ आप अच्छे तरीके से चीज़ों को व्यू भी कर सकते हैं डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद विद चेकम एट दिस मोमेंट मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल करके रन करके देखूंगा एंड वी विल फाइंड आउट द एरर इनशा ना हुई तो फिर विल सी कि हम इसको किस तरीके से फर्दर देख सकते हैं कंट्रीज थे आपके सिक्सटी नहीं आपके पास बुस्को की रीडिंग नहीं आई होगी पक्की बात है कितना कंप्लीट था या नहीं था बिल्कुल हाइब्रिड असेंबली के अंदर भी अगर आप ये ये बाकी कमांड्स आपने रन की होती ना जो मेरे पास चल रही हैं तो आपके पास ठीक आते रिज़ल्ट खैर चेकम का मसला है लेकिन कॉस्ट हमारे पास रन कर रहा है और इसके अंदर हमारे पास होप फुली द क्वालिटी इज़ फाइन क्योंकि जो मैट्रिक्स हैं उसके वो रिज़ल्ट सही दे रहे हैं बट वी विल अंडरस्टैंड इन अ वे जब हम जो नए जिनोम है उसके ऊपर काम करेंगे जस्ट मी वन सेकेंड मेरा सिस्टम जो है फिर वो फिर दोबारा से वही मसला कर रहे बैक इन अ मिनट इसका जुगाड़ मैंने लगा लिया अब खैर ये रिपोर्ट के अंदर बुस्को और कंप्लीट बुस्को तब आता होता है जब आप यहाँ पे जीन फाइंडिंग और ये कंजर्व वाल मैट्रिक्स और जीन फाइंडिंग के ऑप्शन दे रहे हो ठीक है तो मैं अगर यहाँ पे ग्लिमर्स यूज करूंगा तो होपफुली ये मेरे पास एक अच्छा डेटा यूज करके मुझे आंसर दे देगा जीन फाइंडिंग यहाँ पे है ग्लिमर का मतलब है कि ये ग्लिमर एच HMM, ये एक मॉडल है इसको यूज करके आपको टूल है बेसिकली जिसकी बेस पे आपको रिजल्ट देता है तो अगर हम जीन फाइंडिंग यहां से निकाल दें और इसको रन करें तो होप फुली इट विल गिव अस रिजल्ट जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ आई नो समाइम्स ये एक्स्ट्रा एफर्ट लेती हैं चीजें लेकिन बायो बायथोमेटिक्स का काम ही ये होता है बायो बायथोमेटिशियन का सारा दिन बैठ के ऐसे ही काम करना सो so, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी देर बैठ के हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे एंड देन एवरी थिंग इज विल बी फाइन ऐसा नहीं होता हम लोग दिल करें तो तीन तीन दिन एक, एक स्क्रिप्ट को बनाने में लगे होते हैं इट्स स्प्रेड इन नॉर्मल फॉर आस तो अगर आप इस फील्ड में इस वजह से आ रहे हैं सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स अब ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा उसको रन करने के लिए और बाकी चीज़ों को बिकॉज नाउ आई चेंज द आउटपुट नेम और एट द एंड मेरे पास जो कॉस्ट की आउटपुट आएगी उसके अंदर होपफुली जो रिजल्ट हैं वो डिफरेंट uh, किस्म के आएंगे जो पहले मेरे पास आए थे उससे चेकअप क्यों नहीं चल रहा आई हैव नो नाउ बट है मेरा जो पीसी uh, है ना लैब वाला वो अभी वो भी एक्सेस नहीं हो पा रहा किसी वजह से सो आई विल सीन डन जी तो ये हमारे पास इसके रिज़ल्ट हैं ग्लिमर्स के थ्रू मैं इसकी रिपोर्ट को ओपन करता हूँ स्टिल वही चीज़ें आ रही हैं हमारे पास एक्सटेंडेड रिपोर्ट ओपन करता हूँ तो यस वी कान सी द दम्प्लीटनेस एंड द पार्शल बुस्को थिंग लार्जेस्ट कंट्री ये है एंड एल फिफ्टी जी सी इतना आ रहा है Predicted, okay. अगर मैं इसमें से रिपोर्ट ऑल मैट्रिक्स को रिमूव करूं तो क्या होता है क्योंकि कभी कभी चीजों को ट्वीट करना जरूरी बन जाता है बहरहाल एक चीज आपको जो सीखने वाली है है कि ये जो मेरे पास क्वास्ट uh, की ये मैनुअल है ना इसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ बताई है हाउ यू कैन एक्चुअली सी ईच आउटपुट ये कॉस्ट आउटपुट के अंदर जाके आप इसको सभी को रीड कर सकते हैं कि आपकी जो आउटपुट आ रही हैं इसका मतलब क्या है और कौन सा जिनोम असम्बली बेहतर है कौन सी नहीं बेहतर कंटीव का क्या मतलब है इसके का क्या मतलब है ऑल दीज थिंग्स हियर तो मैं इसका लिंक आपको भेज देता हूं

Uh, इसकी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं बट हमारे पास दो कॉन्टीग्स हैं इसके सेम जीनोम के और फिर हमारे पास कॉन्टीग्स की जो फाइल है वो यहाँ पे आ रही है कि एक जीनोम ये हाफ अ मिलियन से किसी कॉन्टीग का साइज है या नहीं है बिल्कुल है तो ये आपको बताता है कि एक कॉन्टीग कितना बड़ा है और दूसरा कितना बड़ा है क्वीक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट सिक्वेंस पड़ी होती है ठीक है मल्टीपल रीड्स के बेस पे आपके कॉन्टीग्स बन रहे होते हैं लार्जेस्ट क्वेंटीक्स की वैल्यू ये है और स्मॉलेस्ट की आपके पास जैदा है इसका मतलब यह है कि अगर लार्जर क्वेंटीक की आपके पास मोर देन फाइव मिलियन वैल्यू आ रही है इसका मतलब उसमें गलती के चांसेस कम है अगर आपके पास मल्टीपल क्वीक छोटे छोटे हों तो उनको जोड़ना मुश्किल हो जाता है एक ही बड़े वाला इसका मतलब है कि वो अगर छोटे के साथ जुड़ेगा भी तो गलती बहुत कम होगी सिंपली तो जितने क्वीकस कम है उतना आपका जीनोम अच्छा है कई ऐसे जुनौम है जिनके कंटीग्स ही चौंसठ पैंसठ आ जाते हैं एंड देन वी हैव टू सी कि कितनी रेशो उनकी बन रही इसी वजह से हम इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हाइपर एड असेंबली करते हैं ताकि हमारे पास कॉन्टीग्स का साइज़ कम आए देन हमारे पास जैसी कंटेंट होते हैं जो एक जुनोम को शो करते हैं विच इफ दिस आर मोर देन फोर्टी फोर्टी फाइव के करीब करीब है हैं या फिफ्टी फाइव के करीब करीब हैं फॉर अ बैक्टीरिया इट्स फाइन फिर एल फिफ्टी या एल फिफ्टी क्या होते हैं नंबर ऑफ कंटीग हैं जो हाफ ऑफ द जुनोम को बना देते हैं एल फिफ्टी नंबर जो है ये भी डिपेंड करता है कि क्वालिटी कितनी है अगर एल फिफ्टी ही आपके पास दो या तीन या चार हो इसका मतलब है उतने नंबर ऑफ कंटीक मिलकर आधा जिनोम बना रहे हैं विच इज अ क्वालिटी मैट्रिक अगर ज्यादा जी ज्यादा कंटीक मिलकर आधा जिनोम बना रहे हैं तो वो खराब चीज है एक ही बना रहा है तो क्या ही बात है जबरदस्त जा रहा है फिर एल नाइनटी हमारे पास एक टर्म होती है इसी तरीके से एन फिफ्टी है ठीक है इसके अंदर भी यही आता है कि बड़े से जिनोम की जो टोटल आ, हमारे पास सिक्वेंसिंग है वो कितनी है ठीक है एंड अंदर आर मैनी अदर पैरामीटर्स अगर आप इनको गौर से देखेंगे सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर क्वीक्स यहाँ पे टोटल नंबर को बताया गया है ठीक है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ही आगे चल रहे हैं फिर ये एंस पर हंड्रेड केबी केबीपी यानी कि किलो बेस पेयर्स के अंदर एंस पर हंड्रेड के बी पी का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ अनकार्ड बेसिस

और इसको हम एनोटेट करते हैं यूजिंग प्रोका मैं बेसिकली इसका प्रोका का जो इन्वायरमेंट है उसे एक्टिवेट करता हूँ चेकअम को मैं यहाँ पे कमेंट uh, आउट करता हूँ बिकॉज आई नो दैट इट विल रन लेटर ऑन बट इट्स फाइन विल सी मैं यहाँ पे अपना सीधा जुनॉम जो है पाँच नंबर पे इसको एनोटेट करता हूँ ठीक है इसको मैं प्रोका का नाम दे देता हूँ अब हमने मामा एक्टिवेट प्रोका करना है प्रोका के अंदर फिर प्रोका की कमांड चलानी है विच इज़ वेटी सिंपल अगर आपको नहीं पता तो प्रोका की गिटहब की प्रोफाइल पे आप जा सकते हैं ये वो काम था जो सबसे पहले दिन हमने कोडिंग के दौरान किया था जस्ट टू शो यू द पावर ऑफ कोडिंग तो आपको याद होगा कि हमने कुछ इस तरीके से प्रोका की कमांड लगाई थी अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो ऐसे लगा सकते हैं अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो आप डिफरेंट तरीके से लगा सकते हैं सो so, मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना इन्वायरमेंट जो है उसे एक्टिवेट करता हूँ कॉपी करके इन्वायरमेंट एक्टिवेट किया ये मेरे पास आ गया प्रोका का एनवायरनमेंट ठीक है अब अगला काम मैंने क्या करना है मैंने प्रोका लिख के माइनस एच लिखना है सो ये मेरे पास इनकी सारी कमांड्स आ जाएंगे प्रोका की सही है अब इसके अंदर आप बहुत काम कर सकते हैं पहली चीज ये है कि प्रोका आपने लिखना ही है कमांड में सो मैं अब यहां पे अपनी कमांड को एक्टिवेट करूंगा प्रोका लिख दिया अब अगला काम क्या है अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये कहते हैं कि जी आप प्रोका लिखने के बाद अगर स्टार्ट में बिगनर लेवल पे जाएं तो प्रोका और कंटीक की फाइल दे दें दैट्स इट या अपनी असम्बली की फाइल दे दें बेसिकली ठीक है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अपनी असम्बली की फाइल का लिंक दे देता हूँ मुझे पता है कि मेरी असम्बली की फाइल यहाँ से हाइब्रिड असेंबली के अंदर है और ये मेरी फाइल पड़ी हुई है यूनिसाइकुलर असम्बलीज के अंदर फाइल का नाम है असम्बली डॉट फैसटा और ये मैंने कहीं ऊपर भी लिखा हुआ एफ एम नॉट रॉन्ग ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम और इसके अंदर है लेकिन बेहतर तरीका ये होगा कि अगर आप मल्टीपल फाइल्स को कर रहे हैं तो हर असेंबली का सेपरेट नेम कर दें और उसे एक फोल्डर में लें हर एक असेंबली का अगर 25 असेंबलीज हैं तो उनके नाम चेंज कर असेंबलीज के ताकि आउटपुट भी वैसे मिले ये कर लिया अब हमने इतना काम तो कर लिया एज ए बिगिनर लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीफिक्स भी आप दे सकते हैं कि कौन सा प्रीफिक्स देना है जब भी आपका आउटपुट फाइल आएगी तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ प्रीफिक्स को माई जिनोम के बजाय इसको मैं बैक्टीरोडिस ठीक है जिनोम कह देता हूँ और इसकी बेस पे आगे सारा जिनोम की फाइल चलेगी बैक्टीरोडिस जिनोम की बेस पे अब मैंने फाइल दे दी आउटपुट डायरेक्टरी मैंने बतानी है आप आउटपुट डायरेक्टरी का मतलब है जहां पे ये चीज़ें सेव हों सो so, मैं यहां पे आउटपुट डायरेक्टरी बताता हूँ आउट डायरेक्टरी माई डायरेक्टरी के बजाय मैं इसको यहीं पे कह देता हूँ एनोटेटेड जीनोम्स ठीक है इसके अंदर हम इसको सेव करते हैं और ऑब्वियसली हमने ये नहीं बनाई हुई फाइल अभी एनोटेटेड जीनोम की होपफुली ये खुद क्रिएट कर लेगा अगर नहीं क्रिएट करेगा देन वी विल सी और इसको देखने के लिए हम Uh, जहां पे मैंने ये कमांड लगाई थी ना यहाँ पे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये फाइल को ऑटोमेटिक डायरेक्टरी में कन्वर्ट करता है या नहीं आउटपुट डायरेक्टरी एक्स आउटपुट डायरेक्टरी फोर ऑटो डिफॉल्ट सही है ये ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा रन दैट्स फाइन लोकस टैग भी ऑटो है सारा कुछ होकर अब हमने क्या करना है ऑर्गेनिज्म डिटेल देनी है जीनस के बजाय आप स्टार्ट में किंगडम भी दे सकते हैं यहाँ पे यस दिस इज किंगडम आपको पता है कि ये बैक्टीरिया है ऐसे ही है क्योंकि आप बैक्टीरिया के जुनौम पे बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बैक्टीरिया डायरेक्टली लिख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ किंगडम बैक्टीरिया ये मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जुनोम तो आधे से ज्यादा काम हमारा खत्म हो जाता है यहीं पर क्योंकि वरना ये वायरसेस पे भी चलेगा आर्किया पे भी चलेगा दे आर मैनी डेटा ऑनलाइन जिससे स्पीड जो है इसकी कम हो जाएगी फिर अगली चीज़ है आपने प्रोटीन्स लेनी है या नहीं लेनी एंड एच एम एम्स मेटाजिनोम थिर आर मैनी अदर थिंग्स मैं जिस चीज़ पे जाना चाहता हूँ मैं नंबर ऑफ सी पी यूज़ पर जाना चाहता हूँ ये मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसमें यहाँ पे पेस्ट करने के बाद नंबर ऑफ कोर्स जो मेरे पास हैं वो सारी की सारी इसको कहना यूज़ कर लें ठीक है देन अनदर थिंग फास्ट करना है तो फास्ट मोड भी आप कर सकते हैं और स्लो मोड भी स्पीशी की बेस पे मैं नहीं जा रहा जी एफ एफ वर्जन भी आप देख सकते हैं कि टू लेना है थ्री लेना है कौन सा लेना है एंड देन फोर्स लिस्ट डी बी वर्जन साइटेशन क्वाइट नो स्क्रीन आउटपुट अगर लेनी वो भी हो सकता है आई थिंक इज फाइन तो मैं इसको बेसिकली यहीं से कॉपी करता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट एंटर एंड इज रनिंग इसका मतलब है बना और सबसे बेहतरीन काम यही बंदे को लगता है जब एक पता चलता है कि यारो दिसम्स वेरी लेकिन जारी बात है तीन से चार मिनट में अगर आप जुनोम एनोटेट कर सकते हैं सो आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे जो है आपकी बड़ी मेहनत है अभी आज का दिन अगर लगा लिया जाए तो साढ़े तीन घंटे से हम बैठे होंगे तो ये हमारा जीनो एनोटेट हो जाएगा विच विल गिव अस जी एफ एफ फाइल और वो जी एफ एफ फाइल्स उस तरीके से हम आगे यूज करेंगे असल में ये जितने भी हमने स्टेप परफॉर्म किए हैं ना अभी तक यहां तक स्टार्ट से अगर शुरू करें बिल्कुल बिगनिंग से अगर आप फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट लिखना चाहते हैं पैन जीनोमिक्स का खासतौर पे वो लोग जो पीएचडी करना चाहते हैं ना अगर वो इस तरीके से लिखेंगे आपके पीएचडी आपको गारंटीड है कि प्रपोजल की वजह से नहीं रुकेगी कैसे आप स्टार्ट में बताएंगे कि हम सैंपल इकट्ठा करेंगे डिफरेंट जूनॉर्म्स का डिफरेंट जगहों पे जाके हमने स्पेसिफिक स्ट्रेन एनरिचमेंट के थ्रू इकट्ठी कर ली जो हमें लगता है कि एक स्पेसिफिक स्ट्रेन या जेनरा से बिलोंग करती है वो हो सकता है ह्यूमन पे भी हो वो हो सकता है एनिमल्स का हो वो हो सकता है सॉइल का हो वो हो सकता है प्लांट का हो हम बैक्टीरिया या वायरसेज या आर्किया की बात कर रहे हैं आर्किया या बैक्टीरिया दोनों पे ले लो आप आप सैंपल लेते हैं उसमें से डीएनए एन करके कंपनी को भेज दिया जी इसका जीनोमिक डीएनए हमें सीक्वेंस करके भेजते तो आप शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों का हाइब्रिड असेंबली करें शॉर्ट की पेयर्ड वाली और लॉन्ग एक ही होती है ठीक है शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों को करें एंड देन आप जब आपके पास डेटा आ जाएगा आप रन करेंगे शॉर्ट क्यू सी और उसको क्लीन करेंगे फिर लॉन्ग क्यू सी करेंगे और उनको क्लीन करेंगे यू you नो know कि ये स्क्रिप्ट जो है आपके लिए काम साबित कर सकता है इजिली और ये लॉन्ग एंड शॉर्ट आपको सिर्फ

या रीअसेंबल करते हैं ठीक है या हम अपना फ्रेड स्कोर नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। फ्रेड स्कोर जो स्टार्ट में कटिंग में लगाया था ना हमने ट्वेंटी फाइव उसको ट्वेंटी तक ले आते हैं अगर थर्टी लगाया तो उसे ट्वेंटी तक ले आते हैं यूजली ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए यूज होता है एंड क्वालिटी तो अगर आपके रीड्स कम है तो क्वालिटी मैट्रिक भी कम हो रहा है क्वालिटी चेक कर ली सारा कुछ ओके आपका आप एनोटेट करें एनोटेट करने के बाद इसको एज इट इज टीबी में आ, वो जो मैंने जुनौमिक, टेक्स, जुनौमिक के अंदर आप इसको रन करके देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया एनसीबीआई ब्लास्ट कर लें सिंपली करने के बाद आपका जीनोम रेडियो से पब्लिश कर सकते हैं ये एक पूरी पाइपलाइन मैंने आपको बताई मतलब एनोटेशन के बाद यहाँ पे अगला स्टेप अगर आप छठा नंबर यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ जीनोमिक क्लासिफिकेशन टनोमिक टेक्सोनिक क्लासीफिकेशन अगर आप करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं जी डी टी वी जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये वाला या आप एन सी बी आई ब्लास्ट यूज कर सकते हैं तो यू कैन क्रिएट द इनवायरमेंट और इसको आप एक्टिवेट करें जो मैं यहाँ पे एन लिख रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ इसको कॉपी करके यहाँ पे आप एक्टिवेट करें एक्टिवेट करने के बाद इसको रन करें इट विल बी रनिंग इन लाइक कपल ऑफ स्क्रिप्ट कोई ज्यादा नहीं है डेढ़ लाइन लाएं, दो लाइनों के अंदर हो जाएगा लेकिन मेन चीज है छियासी जीबी का डेटा बेस और अगर वो आपके पास आ जाता है सो दैट्स काइंड ऑफ एफिशिएंट थिंग फॉर यू क्योंकि वो डेटा बेस एक कंप्यूटेशन रिसोर्स होता है आपका और आप इसे फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं एंड इट्स ऑलरेडी डन जिनोमा आपका रेडी है विद इन थ्री फोर मिनट्स ये आपकी जी फाइल है आप इसको व्यू भी कर सकते हैं ठीक है आप इसी जिनोम की फाइल को फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस जीबे की फाइल भी है डी भी है आपके पास टेबल भी है टीएसवी भी है टेक्स्ट भी है देर आर मेनी फॉर्मेट्स एवर यू यू नीड कैन यूज दिस फॉर फर्दर एनालिसिस एफ एन और फास्टा ये सेम चीज़ होती है अगर किसी को नहीं पता तो ठीक है इसको आप सबलाइन एडिटर में यूज करें दिस इज फास्टा और ये जो वन आया स्टार्ट में ये क्या चीज़ है और यहाँ पे टू आया होगा कहीं पे नहीं सच हमने कौन को बिल्कुल हमनेट कर दिया सो बी एनी टू और दे की मतलब आपके पास जिनोम रेडी है बाई दी एफ एफ फाइल पड़ी है मल्टीपल फाइल्स होंगे तो पेन जिनोमिक्स हो जाएगा आपका वो पेनरू के थ्रू है तो आगे आपकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी ठीक है अब जाहिर बात है ये टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन तब होगी जब वो चौरासी जी का आप डेटा डाउनलोड करेंगे एंड इफ यू हैव दैट दैट मच स्पीड एंड मच स्टोरेज इन योर सिस्टम गो फॉर इट एंड डू इट चेक कम के ऊपर आप में से अगर कोई uh, पंगे लेके इसको सुधारना चाहे इसको रिजल्ट को अच्छा करना चाहे प्लीज़ गो हैट अगर आपको लगता है कि ये हमारी पॉइंट से बाहर है तो कॉस्ट इज़ फाइन यू कैन यूज कॉस्ट ठीक है और ये था जी आज का हमारा लेक्चर जिनोम असम्बली के बारे में अब हमने अगला काम ये स्टार्ट करना है कि पैन जिनोमिक्स डायरेक्टली रन करनी है मैं आपको आपके टास्क बताता हूँ क्या है और फिर हम इस पर आगे काम करते हैं टास्क नंबर वन आपका जो आपको आगे हेल्पफुल साबित होगा आपने क्या करना है डाउनलोड जी एफ एफ जीनोम्स फ्रॉम एनसीबीआई ठीक है पहला टास्क ये आपने इसको डाउनलोड करना है मेरी आदत आप करें ना करें टास्क मैंने अब आपको यहाँ पे लिख के देना है ताकि आप ये ना कह सकें कि हमें तो पता ही नहीं था हमने क्या करना तो आपने सबसे पहले डाउनलोड करने जी एफ एफ फाइल कहाँ से करनी है मैंने आपको कई दफ़ा बताया बैक्टेराइडस फ्रेजेलिस का टेक्सोनमिक ब्राउजर जो है वहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे इसको बैक्टेराइडस फ्रेजेलिस ये है जो बैक्टेराडस का मेन चीज़ यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रिजेलिस इसके ऊपर गए ये हमारे पास सारे के सारे इसके जुनोंम आ गए और अगर आप इस साइड पर आए इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ तो मैं यहाँ पे अगर सॉरी कॉलम मैंने कम सेलेक्ट किए होंगे जस्ट अ मिनट फिल्टर्स रेफरेंस जीनोम एनोटेटेड जीनोम असेंबली लेवल हमने वही लेने हैं जो कंप्लीट हैं या आप क्रोमोसोम वाले भी ले सकते हैं देन वी विल सी ये हमारे पास सिर्फ एक आ रहा है रेफरेंस नहीं हमने सिर्फ लेना बाकी भी लेने सो वी हैव ऑलमोस्ट सिक्सटी नाइन जीनोम्स एनोटेटेड बाय रेफ सीख नहीं लेने एनोटेटेड बाय बल्कि दोनों ले लेते हैं क्रोमोसोम में ज्यादा है कंप्लीट के कितने नौ थे मेरे ख्याल से इफ आई रिमेम्बर करेक्टली उनहत्तर ही हैं सो सेलेक्ट कॉलम्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हमने साइज लेना था एनोटेशन लेवल और बुस्को के ऊपर देखते हैं ये हमारे पास कंप्लीट 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 ये इतने तो थे ही नहीं इसके कंप्लीट वी हैव मोर मोर फॉर दिस सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट करता हूँ यस कंप्लीट लेवल को कंप्लीट वाला ऊपर कर लेते हैं एनसीबी आई रेफ सिक वाले भी ठीक है सो वी कैन डाउनलोड दिस सिक्सटी ऑब्वियसली ये एक बड़ा टास्क है मैं पहले बता देता हूँ और सिक्सटी नाइन जी के ऊपर काम करना आई नो इट्स थिंग लेकिन अगर मैं जिनोमिक टेक्सोनोमी के पीछे जाऊं वापस टेक्सोनोमी ब्राउज़र में यहाँ पे बैक्टेराडिस लिखूं तो आप कोई ऐसा भी चूज़ कर सकते हैं जिसके जिनोम्स कम हैं लेकिन हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से देखना पड़ेगा कि वो कौन सा कैंडिडेट है लेकिन बैक्टेराडिस फ्रेजेलिस के ऊपर काम काफ़ी हुआ है और ये एक ऐसी स्ट्रेन है जो कैंसर कॉजिंग एजेंट के लिए एंटीटॉक्सेंस भी प्रोड्यूस करता है और देर आर मैनी मैनी बेनिफिट्स फॉर दिस तो अगर हम इस पर चलें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट होगा रिसोर्स की कमी नहीं है वी कैन यूटिलाइज द रिसोर्स अलॉट। तो आठ सौ चौदह इसके टोटल जिनोम में। और अगर हम फिल्टर्स करने के बाद सिर्फ और सिर्फ़ क्रोमोसोम और कम्पलीट वाले लें तो ये सिक्सटी नाइन है एंड दिस इज प्रिटी गुड नंबर टू विथ। तो मेरा प्लान तो यही है हम इसको लेकर चलें बाकी आप देख लें कि किस तरीके से इसको करना है अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन का आपका टेबल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा सेलेक्ट कॉलम करके अगर सारा कुछ सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास पूरे के पूरे कॉलम के, के अंदर सब कुछ आ जाएगा ये जितनी भी चीज़ें ये मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ अप्लाई करता हूँ ये मैं यहाँ से डाउनलोड टेबल करता हूँ टी फाइल में मैं इसको लिख देता हूँ बैक्ट्री रॉयडिस फ्रैद जिलिस डाउनलोड किया जी ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा ये हमारे पास टेबल आ गया मैं इसको प्रॉपरली एग्जाम्पल के बाहर जाता हूँ पैन जिनोमिक्स में और यहाँ पे अपना इस टेबल को पेस्ट करता हूँ तो ये है जी आपके पास सारे के सारे के एक्सेशन नंबर आ गए असम्बली नेम आ गए आप असम्बली नेम के थ्रू भी जिनोम्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स एज वेल जो आप क्लिक एंड गो के बेस पे एनसी के अंदर जाके भी कर सकते हैं तो ये आपने डाउनलोड करने पहली चीज मैं आपको स्क्रिप्ट पूरे के पूरे की फ़ाइल भेज रहा हूँ डोंट वरी इंस्टॉलेशन की आपके पास है ये मैं पूरी की पूरी फ़ाइल आपको भेज रहा हूँ ले जा स्क्रिप्ट आपको मैंने पूरा भेज दिया आप ओके okay. इंस्टॉलेशन भी भेज दिया स्क्रिप्ट भी भेज दिया है जुनोम आपने पहले डाउनलोड करने हैं अब अगला काम करते हैं जब आपके सारे जिनोम डाउनलोड हो गए नंबर टू इज आपने सारी बात है आपके पास जो जिनोम्स आते हैं जी फाइल्स आएंगी आपने जी भी करनी है अगर असम्बली मिल जाए डाउनलोड इफ यू हैव असम्बली फाइल्स यानी कि जो हमारे पास फास्टा फाइल थी ना असेंबली के कॉन्टेक्स्ट जिसके अंदर होते हैं अब वो भी डाउनलोड करें चेक द क्वालिटी अगर हमें लगा ना कि 69 में से 25 ऐसे हैं जिनकी असेंबली की क्वालिटी इतनी खराब है लेकिन वो पब्लिश्ड है तो हम उनको री असेंबल कर सकते हैं स्टार्ट से एंड तक यूजिंग आवर पाइपलाइंस व्हिच वुड बी अ आई वुड से शॉर्ट जो आप में से पाँच दस लोग मिलके या तीन चार लोग या एक दो लोग मिलके रिसोर्स को यूज करके उस पर काम कर सकते हैं एट दी एंड आप उसके क्वालिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे और आप कहेंगे ये इतने जिनोम गलत से एनोटेट हुए थे हमने न्यूली अनोटेट किएजिंग दिस असेंबली मतलब असम्बल की बट इट्स फाइन ये हमारा ऐसा टास्क है अगर हुआ तो नंबर थ्री इज रन पेनारू ऑन ऑल सिक्सटी नाइन जिनोम पेनारो रन करनी है आप और ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम तो इस वजह से इसको मद्देनजर रखिएगा कि एक से दो दिन आपको लग जाने इस एक असेंबली को रन करने में पेनारो मैंने पांच पे रन की थी तो हमें तकरीबन तीन घंटे लगे यहाँ पे तो अगर आप मल्टीपल पे रन कर रहे हैं तो इट विल टेक मोर टाइम ठीक है एंड देन वी विल सी नंबर फोर वी विल रन एनवीओ विच इज अग थिंग एट दी एंड तो हम इसके लिए अपना Uh, जो है वो गूगल क्लाउड जो मेरे पास अमेजोन का क्लाउड सर्वर है उसको यूज़ करेंगे वरना मैं अपने सुपर कंप्यूटर पे आपको करके दिखाऊंगा ये किस तरीके से यूटिलाइज होता है बाई द वे आई एम नॉट अलाउड टू यूज़ माई यूनिवर्सिटी सुपर कंप्यूटर मैंने जो परचेज किया हुआ है ए डब्लू एस के थ्रू उसको हम यूज़ करेंगे क्लाउड सर्वर जिसे बोलते हैं सो so, इस तरीके से मैनव्यू रन करके इसकी कोई आउटपुट निकालेंगे ताकि हम एक पेपर को स्टार्ट कर सकें नंबर फाइव इज आउट अब एग्जाम्पल रन हमारा हो चुका है जितना हमने करना था एग्जाम्पल 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 खेल लिया आप रियल टाइम डेटा सेट पे काम करेंगे यार कुछ भी ना आउटपुट आए ना कम अज कम एक एम डी पी आई का पेपर तो निकलेगा ये तो पक्की बात है बट वी विल सी